खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर बयान दिया है और जीडीपी पर ट्वीट को लेकर कहा कि यूपीए के समय में जीडीपी 8% से अधिक रहा है, बीजेपी 6.5 को अमृतकाल कह रही है। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा मजबूत है पर भारत में अभी भी गरीबी है। कुल मिलाकर बजट में कुछ नहीं है, हम लगातार गोबर से पेंट बना रहे हैं। केंद्र सरकार भी गोवर्धन का गुणगान कर रही है। बेरोजगारी और आवास को लेकर पेश किए गए बजट में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आवास अगर बात करते हैं तो हमने पिछले बजट में भी 800 करोड़ का प्रावधान किया था, आगे बजट में भी करेंगे। शेयर गिरने के सवाल पर सीएम ने कहा कि एनपीएस का पैसा हमें नहीं दिया गया है पर एलआईसी को पैसा दिया गया, क्या कर्मचारियों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा, यह शंका बनी हुई है। आवास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी देख लें, नल जल जीवन मिशन का देख लें, या आवास की बात करें इनके शासित राज्यों की भी स्थिति देख लें उनके यहाँ क्या है, तब हमारे यहाँ बात करें। और आवास की बात जहाँ तक है, हम लोग अभी पिछले बजट में 800 करोड़ रखे थे, आने वाले समय में भी उसका प्रावधान करेंगे। तो गरीबों का आवास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग चिल्ला जरूर रहे लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। रमन सिंह जी लोन लेके वो आवास योजना चालू किए थे, हम तो बजट में प्रावधान कर रहे हैं, बजट में उसके प्रावधान नहीं था, हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं, पहले भी किए थे आगे भी करेंगे। तो ये गरीबों के बारे में इनको तो बात करना ही नहीं। रमन सिंह के राज में पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहे हैं 40%।